एक अनयूजुअल केस के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, एक ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस, और इससे बहुत सारे मरीज, खासतौर पे जो ट्यूमर के मरीज हैं, उनको एक नई आस मिलेगी। हमारे साथ हर्षित है, टीकमगढ़ से अभी आए, मध्य प्रदेश से, और ये हमारे डायबिटी एजुकेटर भी हैं। तो एक ऐसा केस जो कि ऑरियंटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस द्वारा बोला गया कि ये लाइलाज है, तो उस केस के बारे में जिक्र करेंगे। सबसे पहले तो पेशेंट का नाम, पेशेंट का एज और एक्चुअल कंडीशन क्या थी जब आपके पास आए थे और कितने महीने पहले आए थे, इतना बता दीजिए। इनिशियली ये मेरे पास 4 साल पहले आए थे, उस समय बच्चे की एज 12 ईयर्स थी। बच्चे का नाम रश्मि खंगार है, जो मेरे पास के ही गांव से बिलोंग करते थे, और उनका ट्रीटमेंट रेगुलरली 4 साल से दिल्ली एम्स में चल रहा था। ओके। तो दिल्ली एम्स के बाद उनको टाइम से ट्रीटमेंट नहीं मिला और बार बार रेफर करा रहे थे, तो 4 साल बाद वो जब इतने परेशान हो गए तो वो भोपाल एम्स के लिए शिफ्ट हो गए। राइट। अब भोपाल एम्स में भी उनको 2 साल धक्के खाने पड़े, पर भोपाल एम्स के बाद भी उन्होंने फाइनली सितंबर 2022 में उनको ये बोल दिया कि इसका इलाज नहीं हो सकता है, ट्यूमर इतना ज़्यादा बढ़ गया पिट्यूटरी ग्लैंड के पास है, तो ना तो इसको कट कर सकते हैं और ये मेडिसिन से बंद दब नहीं रहे, बढ़ ही रहे। पस और डिस्चार्ज रेगुलरली कान के थ्रू, होल के थ्रू बाहर आ रहा था, बच्ची सीवियर पेन में थी, तो डॉक्टर्स ने उनको फाइनली ऑन द रिटर्न पेपर लिख के भेज दिया था कि इसको घर ले जाइए और मैक्सिमम 3 महीने 4 महीने जब तक ये जिंदा है इसको सेवा करिए, आप परेशान मत हो, बार बार मत आइए, क्योंकि इसका कुछ हो नहीं सकता, इससे ज़्यादा डोज और कुछ बचे नहीं है जो हम इसको दे सकें। तो फाइनली वो निराश होकर होम टाउन हमारे टीकमगढ़ वापस आ गए थे। तब उनसे मैं दोबारा मिला, तब उन्होंने मुझे ये सारी कहानी बताई कि अब मना कर दिया, अब जाने के लिए रास्ता बचा ही नहीं, तो क्या किया जाए। चूँकि मैं डायबिटिक एजुकेटर हूँ, नेचुरोपैथी का डॉक्टर हूँ, आपका फॉलोअर हूँ ही रेगुलरली, तो मुझे पता था कि टेक्निक्स क्या यूज़ कर जाती है, की जा सकती हैं, तो मैंने उनको स्टार्ट करने के लिए, एक चांस के लिए उनका रिटर्न में कंसेंट लिया कि मैं ट्राई करता हूँ, क्योंकि आपके रास्ते बंद हो गए हैं, मैं ट्राई करता हूँ, होप सो भगवान की दया से कुछ इम्प्रूवमेंट होता है। तो मैंने उनका अक्टूबर 2022 में ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। अक्टूबर 2022 यानी कि 1 साल हो गया, 11 महीना हो गया लगभग, है ना। और यानी कि जब सारी उम्मीदें दरवाजे बंद हो गए तब की बात आप कर रहे हैं, आपके पास आए इन द वर्स्ट केस, जब सिचुएशन सारी खराब हो गई, जैसा आप स्क्रीन पे फोटो देख रहे हैं, जब हालत बिल्कुल बिगड़ गई है, जब सब जगह से हाथ खड़े हो गए, वो भी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की बात कर रहे हैं, चाहे वो भोपाल की बात हो, चाहे वो दिल्ली की बात हो, उस स्टेज पे तब आपके पास आए। आप में से जिन लोगों को वो सारे मेडिकल रिकॉर्ड्स देखने हैं, तो स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में जाके वो मेडिकल रिकॉर्ड्स आप देख सकते हैं, उस समय के मेडिकल रिकॉर्ड्स। अब आते हैं पिछले 11 महीने में जो थेरेपीज आपने की है उनका थोड़ा सा ब्रीफ, वो थोड़ा ऑडियंस से शेयर। इनिशियली तो मैंने उस बच्ची को सर की DIP डाइट पे डाला, जिसमें कुक्ड फूड टोटली उसका बंद हो चुका था, बाहर का सारा जितने भी हमारे परहेज होते हैं, परहेज वाले कॉलम, सारी चीज़ें उनको स्टार्ट कर दिया था। नवंबर से ही ये सब चीज़ें स्टार्ट हो गई थी। तो शुरू के सिर्फ 15 दिन डाइट पे उसको रखने पर उसके पेन में उसको रिलीफ बताने लगी, जो उसकी पेन किलर, 3 पेन किलर चलती थी, सिरेस्यूपेप्टिडेज, एसिलोफेनिक, ये सब रेगुलरली चल ही रही थी। मुझे 20 दिन के बाद उनको देने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और उस बच्ची ने ऑनेस्टली वो ड्रग मांगे भी नहीं। डाइट के बाद फिर उसकी सारी थेरेपी, जिसमें वाटर थेरेपी है, स्टीम थेरेपी है, लो वोल्टेज थेरेपी है, आपकी अर्थिंग है, ग्राउंडिंग है, योग प्राणायाम है, वाटर थेरेपी है, मड थेरेपी, स्टीम थेरेपी, स्टीम बाथ है, मसाज थेरेपी, ये सारी थेरेपी इंक्लूडिंग 24 थेरेपीज उसकी स्टार्ट की गई। और 3 महीने में सर उसका असर हमारे, उनके पेरेंट्स को भी महसूस होने लगा था कि बच्ची सुधर रही है, उनके स्माइल बताते थे चेहरे पे। देखिए ये तो समझना होगा कि हमारे जो ब्लड है वो हर 3 से 4 महीने में नया हो जाता है, 100% ब्लड। आज जो ब्लड है, 4 महीने बाद जो ब्लड होगा वो दैट विल बी द न्यू ब्लड, इसमें से कुछ भी नहीं रह जाएगा, राइट। तो जाहिर सी बात है जो थेरेपीज हैं, जो आप स्क्रीन पे देख भी रहे हैं सारे थेरेपीज, और हमारे जो फॉलोअर हैं उनको ये सारे थेरेपी ऑलरेडी पता है, ये थेरेपी करने से बड़ी सी बड़ी बीमारियां घर बैठे ही आराम से ठीक हो सकता है, उसका ये ताज़ा नमूना एग्जाम्पल आपके सामने है। तो अब आज की तारीख में जबकि 11 महीने हो गए इस बच्चे को आपकी थेरेपी, आपकी गाइडेंस में करते हुए, तो आज व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द चाइल्ड? वो बच्ची कम्प्लीटली हेल्दी है, उसकी CT स्कैन रिपोर्ट्स जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं,
जो उसकी करंट रिपोर्ट है उसमें ट्यूमर कहीं पर भी डिटेक्ट नहीं हो रहा है, उसका हीमोग्लोबिन काउंट बढ़ चुका है, उसके आरबीसीज कंप्लीट ब्लड काउंट रिपोर्ट्स उसकी आपके सामने हैं, वो आप देख सकते हैं जो इम्प्रूव हो चुकी है, बच्ची हेल्दी एक्टिविटी कर रही है, इवन उसने अभी एग्जाम दिए हैं 3 महीने पहले अपने फाइनल एग्जाम दिए हैं, जो कि पिछले 4 साल से उसने बुक नहीं उठाई थी, वो अपनी एग्जाम दे रही है, आप समझ सकते हैं उसकी मेंटली कंडीशन क्या हुई होगी अब, तो मेंटली शी इज फिट, फिजिकली शी इज फिट एंड उसके फाइनेंशियली उनके घर की कंडीशन भी अब इम्प्रूव है, क्योंकि सारा ध्यान अब जाहिर सी बात है उन माता पिता ने डिसाइड एम्स देश में जगह जगह के धक्के खाए होंगे, बहुत सारे पैसे खर्च किए होंगे और उसके बाद जब हर जगह से हाथ खड़े हो गए तभी आपके पास आए होंगे। जो करंट की रिपोर्ट अगर आपको देखनी है, अभी की जो कंडीशन की रिपोर्ट देखनी है, तो भी आप स्क्रीन पे दिए लिंक में जाके अभी के रिपोर्ट देख सकते हैं, एक रिपोर्ट पहले की, एक रिपोर्ट अभी की, और जो विजुअल्स हैं वो पहले के, विजुअल्स अभी के, वो आपके सामने। ये हम क्यों आपको इतना डिटेल बता रहे हैं, बिकॉज हम चाहते हैं कि आप घर में ठीक हो जाए, और जो बड़े बड़े दिखने वाले हॉस्पिटल्स हैं, हॉस्पिटल चाहे कितने ही बड़े क्यों ना हो, उसमें जो प्रोटोकॉल्स हैं वो कीमोथेरेपी प्रोटोकॉल्स, वही रेडिएशन प्रोटोकॉल्स, वही सर्जरी वाले ही होते हैं, राइट। हॉस्पिटल का बिल्डिंग बड़ा हो सकता है लेकिन प्रोटोकॉल सेम है, तो सेम प्रोटोकॉल सेम ही रिजल्ट देगा, सेम एक्शन कैन ब्रिंग ओनली सेम रिजल्ट। इस बात को समझने के लिए आप मेरी किताब पढ़िए, द रैबिट टॉटर्स मॉडल फॉर कैंसर क्योर, वो स्क्रीन पे दिए लिंक पे जाके किताब पढ़ सकते हैं, तो आपको कोई डाउट नहीं रहेगा कि भाई अगर आप ट्यूमर या कैंसर से पीड़ित है तो द बेस्ट प्लेस टू ट्रीट इज एट होम एंड द बेस्ट थेरेपी इज द काइंड ऑफ थेरेपी जो अभी आपने देखा हर्षित ने एक एक करके आपको बताया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि घर बैठ के ही आप ठीक हो सकते हैं, दैट इज द ओनली वे, उसका एक साक्षात सबूत आपके पास है, हमारे लिए आपके लिए एक पेशेंट है, जस्ट एक सबूत है। अब उस पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचें, उनके लिए ये लाइफ एंड डेथ का मामला है, जस्ट सोचिए उन पेरेंट्स पे जिनके वो बेटी है, उनको कितना रिलीफ मिल रहा होगा, उनकी ज़िंदगी अब कैसी होगी, या अगर आप नहीं होते तो कैसी थी, तो ये समझने की बात है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम सब आपकी तरह हमारी तरह यही थेरेपी सीख सकते हैं, सीखने के लिए अगर आप सीखना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए लिंक पे जाके जो हमारे हेल्प एक ट्रेनिंग कोर्स हमने लॉन्च किया है वो ऐसे ही पेशेंट को ट्रीट करने के लिए लॉन्च किया है, दैट इज हैंडलिंग इंजरी एंड लाइफ विद पंचकर्मा, राइट, जिसमें 2 महीने आप ऑनलाइन हमारे ट्रेनिंग में आएंगे और 1 हफ्ते के लिए हमारे जो मेडिकल कॉलेज जिनसे हमने टाइप किया दयानंद आयुर्वेद कॉलेज, वहाँ जाके हैंड्स ऑन ट्रेनिंग करेंगे। तो देश दुनिया में लाखों लोग हैं जो पीड़ित हैं, जिनके पास कोई रास्ता नहीं है, और जिसे वो रास्ता समझ रहे थे वो रास्ता नहीं है बल्कि रास्ते के नाम पे एक धोखा है। तो ऐसे लोगों के लिए तरीका सिर्फ एक ही है कि हम खुद अपने डॉक्टर बन जाएं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो प्रेरणा भरी स्टोरी है ये सिर्फ स्टोरी नहीं रहेगी, ये आपके लाइफ के लिए एक सबक रहेगा कि समय आ गया है कि हमें हमारे जो नेचुरोपैथी है, हमारे जो आयुर्वेद है, उस पर हम अपना विश्वास दोबारा लाएं और अपने आप पर विश्वास लाएं और ये समझ लें कि अगर बीमार होती तो हमारी बॉडी बीमार होती है, अगर ठीक होना है बॉडी को तो एक माहौल देना, जो माहौल आपने अभी दिखाया, चाहे पानी के माध्यम से देना, चाहे 0 वोल्ट के माध्यम से देना है, तो वो सारे या न्यूट्रिशन के माध्यम से देना है, वो सारी चीज़ें घर पर की जा सकती है और घर पर ही की जा सकती है। तो खैर आप ऐसे ऐसे लोग जो और डिटेल में इसके बारे में जानना चाहते हैं, खासतौर पर इस वाले पेशेंट के बारे में, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो विल ट्राई टू एलोबरेट मोर इन डिटेल। धन्यवाद, थैंक्स, थैंक यू।